देखिए, ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है कि पहले तो गुज़श्ता महीना हमारा ऐसा गुजरा कि बारिश की तमन्ना करते रहे, दुआएं करते रहे, बारिश नहीं हो रही। अब बारिश शुरू हुई तो सैलाबी और तूफानी कैफियत है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे आमाल का नतीजा है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से राजी होते हैं तो रात में उन पर बारिश फरमाते हैं और दिन में उन पर धूप बरसाते हैं ताकि दिन के काम अपने कर सके, इनके कामों में कोई हरज ना हो। और जब अल्लाह नाराज होते हैं तो दिन भर बारिश होती, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आमाल की वजह से और इसी तरह हमारे माहौलियात को, एनवायरमेंट को साफ न रखने की वजह से है। और हमें हदीस पाक में दुआ मिलती है, बड़ी दुआ है लेकिन छोटी दुआ भी अगर याद करना चाहे, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, कि जो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते कि अल्लाह अब इस बारिश को हमारे अतराफ में बरसा दे। हम बारिश के बंद होने की दुआ नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि अल्लाह जो है अतराफ में जो पहाड़ है, वादियां हैं, चश्मे हैं और धरने हैं, अल्लाह इन पर पानी बरसा दे और हम पर न बरसा। तो छोटी सी दुआ भी याद कर ले, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। और अपनी इनफरादी दुआओं में भी अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार को मांगे, नफे वाली बारिश को मांगे, नुकसान देने वाली बारिश से अल्लाह ताला की पनाह।